अब यहाँ पे इसने हार मान ली है एक्चुअली। तो ऑफ रोडिंग के अंदर हम कभी भी हाई स्पीड का तो यूज़ करते नहीं, लेकिन मैं पावर का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो पावर भी तभी प्रोड्यूस हो पाएगी रेयर व्हील पे जब ये नीचे से लगेगी नहीं, लेकिन नीचे से बाइक लग रही है। ओके, थर्ड अटेम्प्ट, अगर थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, फिर छोटे वाले से चलेंगे। दिस इज रॉयल एनफील्ड न्यूली लॉन्च हिमालयन 450 और ये जो है ये बनाई गई है एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास आज ये है छोटी मोटी टेस्टिंग करने के लिए, जैसे कि ये जो गड्ढा है ये नॉर्मल गड्ढा नहीं है। अगर मैं इसकी आपको लेंथ दिखा दूँ या डीपनेस दिखा दूँ तो ये बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है। इसके अंदर आज हम इस हिमालयन को चेक करेंगे जो कि यहाँ से निकलेगी, ये इसके टायर जहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर छोटा सा एक स्पेस है, अगर इस तरफ से देख पा रहे हो ये वाला स्पेस, यहाँ से अगर बाइक ये बाहर निकलती है या फिर वहाँ से आती है और यहाँ से बाहर निकलती है तो भी हमें पता चल जाएगा कि कितने आरपीएम पे कितना चल रही है। ऐसे ही छोटे मोटे ड्यून्स यहाँ पे अगर ये देख पा रहे हैं आप जो मिट्टी के बना रखे हैं, इस पर भी चढ़ा के देखेंगे कि ये कैसा काम कर रही है। गियर रेशियो एक्चुअली जो ऑफ रोडर वाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इट मीन्स कि फर्स्ट गियर ज़्यादा बड़ी होगी, सेकंड गियर थोड़ी सी ही छोटी होगी उससे, और जो उसकी फोर्थ एंड सिक्स गियर्स हैं वो होती हैं हाईवे के लिए, तो हाईवे पे भी चलेंगे। गाइस मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेडी, 3 2 1 स्टार्ट हिमालयन, कुछ बढ़िया सा करके दिखा देना। ओके रेडी, ओके ये जो मेरे सामने अभी ये वाला भी है ना, ये भी बहुत ऊंचा ही है देखा जाए तो, काफ़ी ऊंचा है। और ऐसे जो ड्यून्स होते हैं ये आपको मिलेंगे, एक बारी वहाँ से दिखाओगे आगे से तो पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा ऊंचा है, ये काफ़ी ऊंचा है। इसको अगर मैं पार करूँ तो बाइक पर ऐसे चढ़ गई और मेरे यहाँ पर पैर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लेकिन इसको हाई स्पीड के अंदर अगर पार करना होगा तो यहाँ पर ऐसे करके ये बाइक नीचे से हल्की सी टच तो हुई है क्योंकि काफ़ी ऊपर है, काफ़ी ऊपर मैंने इसको टच कर दिया है। अब तो सबसे पहली चीज़, तो ऑफ रोडिंग के अंदर हम कभी भी हाई स्पीड का तो यूज़ करते नहीं, लेकिन मैं पावर का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो पावर भी तभी प्रोड्यूस हो पाएगी रेयर व्हील पे जब ये नीचे से लगेगी नहीं, लेकिन नीचे से बाइक लग रही है। ओके, थर्ड अटेम्प्ट, अगर थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, फिर छोटे वाले से चलेंगे। हो गया। तो पावर जो है 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, टॉर्क ने अच्छा काम किया। नीचे से थोड़ी सी लग गई थी, मैंने बेसिकली लग गई कहते कि मिट्टी में ही थी, बट बाइक जो है हमारी उतर गई है नीचे। ओके, अब ये है हमारा सेकेंड टास्क, अब इस टास्क में से निकलना है हमें, और कहाँ से निकले कैसे निकले बस वही एक टेंशन है। यहाँ पे क्या है, गड्ढे हैं बहुत भारी भारी, और ऐसे ही रास्तों में हमारी बाइक जो होती है वो फंस जाती है, निकलेगी कैसे क्या निकलेगी। तो एक बार इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं। टायर जो है इसका बिल्कुल नीचे धस चुका है, और अगर अब मैं जा रहा हूँ ना इसके अंदर तो मुझे डर सा तो लग रहा है कि अगर ये नीचे फंस गई तो फिर क्या करेंगे, लोगों की हेल्प चाहिए होगी, बट बाइक जो है निकल ही जाएगी अगर इस गड्ढे में से भी निकाली जाए। लेकिन 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, ये पूरी पूरी जान लगा रही है, आप इसका साउंड सुन सकते हैं। अब यहाँ पे इसने हार मान ली है एक्चुअली, बट इतनी आ गई है। ओके, हाय थकावट हो गई है यार, ग्राउंड गेंस ज़्यादा खास है नहीं इसकी, देखा जाए ना फ्रंट व्हील रेयर व्हील गड्ढे के अंदर घुसा दी मैंने बाइक, नीचे से बार बार लग रही है, टच हो रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब पहाड़ों वाड़ों पे जाते हैं तो हाईवे मंचिंग तो करते हैं, लेकिन कभी कभार कच्चे रास्तों में से भी जाने का मन करता है, उसमें ये बार बार फंसेगी। रेयर व्हील पूरी पावर नहीं दे पा रहा। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसका परफॉर्मेंस मोड चेंज करने वाला हूँ, रिट्राइन सेकेंड इग्निशन।
अभी इसने मुझे बोल दिया कि पहले इग्निशन ऑफ करो, फिर आप अपना इग्निशन ऑन करना। सांस फूल जाती है जब इतनी मेहनत करते ना। और फिर हमने इग्निशन ऑन किया, अब ये मोड परफॉर्मेंस मोड परफॉर्मेंस पे आ गए, एबीएस रेयर वाला ऑफ हो गया है। ओके रेडी 3 2 1। नहीं बैड अटेम्प्ट। ओके राइट से निकालने की कोशिश करते हैं, पहले इसको मैं और पीछे लेके जाता हूँ हल्का सा। अब यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके 3 2 1। ओ ओ ये ये ओके आखिरकार बाइक बाहर आ गई है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से दिखाओगे तो ये छोटी सी जगह पे लग गई है नीचे, जो इसकी बैश प्लेट है वो बार बार लग रही है। थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी सी और होनी चाहिए थी, ज़्यादा मज़ा आता, उसको ऑफ रोड बोल सकते थे, जिसके अंदर बंदा कहीं भी फंसे कहीं भी जाए कैसा भी करे, तो तब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अब अगर इसको पूरी तरीके से बाहर निकालूं, तो ये कुछ ऐसा सा माहौल बना देती है जैसे कि वॉर हो रही है, लड़ाई हो रही है, मिसाइलें चल रही हैं। पिछला टायर इतना ज़्यादा घूमता है जो कि ग्रिप नहीं बना पा रहा है, और जो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही डाउन है। तो चलो इसको एक बार रोड पे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या परफॉर्म करती है। यहाँ पे इसमें जो दो मोड हैं उसमें से मैं लगा रहा हूँ ईको, जिसके अंदर ईको में एबीएस ऑन है, रेयर एबीएस ऑफ है ईको में भी, बट हम ईको में पहले एबीएस ऑन करके चलते हैं। ठीक है देखते हैं फर्स्ट गियर पे क्या कमाल करती है। फर्स्ट गियर बहुत सही, बहुत बढ़िया। सेकंड, ये वो टेस्ट होते हैं जो आप नॉर्मल जिंदगी में करते हो कि भाई रोड पे कितनी भाग रही है। सेकंड गियर पे ही भाग गई भैया, ये 62 तो मैंने देखी है और अभी भी मैं सेकंड पे ही हूँ। 81 82, सेकंड गियर ही इसकी 82 की है। वेरी नाइस। ओके मेन सिटी जैसे एरियो के अंदर आप ज़्यादातर तो चला पाते नहीं हो, तो जितना चला पाते हो कैसे चला पाते हो क्या साउंड आता है बस वही दिखाने का हमारा एक मोटिव है। तो यहाँ पे फर्स्ट गियर के अंदर देख लिया हमने, सेकंड गियर के अंदर देख लिया है, अच्छा जा रहा था यार 82-83 तक अगर पहुँच भी रही थी तो बहुत सही है। अब एक बार थर्ड गियर और डाल के देख लेते हैं। फर्स्ट गियर सेकेंड, और स्लीपर क्लच जो है इसका एक्चुअली वो कैसे काम करेगा वो भी एक बारी मैं देख लेता हूँ। ठीक है ये सेकंड स्लीपर क्लच, थर्ड ऐसा, तो मतलब सही चीज़ है। स्लीपर क्लच ने कुछ खास काम किया नहीं, झटका मारा है मुझे, जो कि रॉयल एनफील्ड बोल रही है कि स्लीपर क्लच है, बट इंटरसेप्टर भी झटका मारती है और ये भी झटका मार रहा है। और ये क्लच असिस्ट वाली जो इसके अंदर फीचर बोलते हैं वो भी कुछ खास नहीं है। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखो फर्स्ट गियर, सेकंड ये देखो झटका, अब थर्ड फोर्थ थर्ड, अब थर्ड से सेकंड झटका मार रही है मोटरसाइकिल। इसमें वैसा वाला स्लीपर क्लच नहीं मिलेगा कि भैया शिफ्टर भी है स्लीपर भी है, मतलब कि जिसके अंदर स्मूथ राइड मिल जाए आपको। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, मैं अभी सेकंड गियर पे हूँ, क्लच छोटा हुआ है, थर्ड गियर डालता हूँ, ये थ्रॉटल कम करके मैंने थर्ड गियर डाली। फोर्थ गियर नहीं लग रही है, अब लगी है फोर्थ गियर, बहुत ज़्यादा टाइट था जो गियर लीवर था मेरा, बहुत टाइट था। तो स्लीपर क्लच इसका उस टाइप से काम नहीं किया जैसा कि मैं सोच रहा था। अब मैं थर्ड गियर डाल रहा हूँ, डली नहीं है, देखो अब डली है, वो भी झटका लेके। बाकी जो ये बाइक है ये अच्छी चल रही है, थर्ड गियर के अंदर इतनी अच्छी पहुँच रही है। दूसरा पॉइंट ये मेरा बताने का कि यार अभी तो इसकी 4th, 5th, 6th गियर भी बची है, वो तो किसी हाईवे पे टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक लॉन्ग टर्म वीडियो जिसमें कि इसका फ्यूल माइलेज कितना देती है, कब देती है, क्यों देती है, कौन से मोड पे क्या दे रही है।
तो यार यही थी मेरी एक छोटी सी इसको लेके कोशिश की, इसमें थोड़ा सा ऑफ रोड थोड़ा सा ऑन रोड दिखाया जाए कि गियर रेशो क्या है, क्योंकि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो छोटे मोटे ऑफ रोड्स होते हैं, अगर हम इस टाइप की मोटरसाइकिल एडवेंचर लेते हैं तो पता चलता है कि यार ये मतलब हम कुछ कर सकते हैं इस मशीन के साथ में या क्या नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा भी स्पेस बचा है। क्या बचा है, कैसे बचा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो इस पे बहुत सारे आने वाले हैं, क्योंकि ये बाइक हमारे पास काफ़ी दिनों के लिए, तो इसका सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं खोल के दिखा दूंगा कि क्या है कैसे है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग किंग इंडियन, बाय बाय।